नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं को पान नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। महिलाओं को पान राजस्थान, महिलाओं का पान नहीं चलेगा राजस्थान, महिलाओं का पान नहीं चलेगा राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चलेगी नहीं चलेगी। हिंदुड़ी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार दो ताज पलट दो, हिंदुओं का राज पलट दो। कांग्रेस पार्टी किया गया है, किस मांग को लेकर किया गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे चित्तौड़ जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से कांग्रेस के एक विधायक द्वारा महिलाओं के लिए और एक पुलिस अधिकारी के लिए जिस तरह की बात की गई, शायद आप लोगों ने सुनी हुई गई तो शर्म से आपका भी सिर झुक गया होगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूँ कि आप गांधी जी की बहुत बात करते हो, लेकिन आपके विधायकों को आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो उनको बुला करके उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। और माननीय इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, कि आपके विधायक ने जिस तरीके की हरकत की है उसके खिलाफ निश्चित रूप से इनको कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए और भारतीय संविधान के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना। सर, जिस तरह से मुकदमा दर्ज होने में पुलिस बैकफुट पे, क्या मानते हैं पुलिस दबाव में? मैंने पहले भी बहुत सारी बार कह रखा कि कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रही पुलिस, लेकिन अभी क्या गए इन दोनों के एजेंट के और प्रत्याशी के बीच में तनातनी हो गई, आमने सामने हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी पुलिस पुलिस है, प्रशासन को न्याय मिलना चाहिए। अब जो न्याय देती है वो खुद ही न्याय मांगने के लिए खड़ी है, लेकिन अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग इन पुलिस प्रशासन के और इनके साथ खड़ेंगे। इन्होंने भी लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए, पुलिस का भी रिकॉर्ड बहुत ठीक नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से लोगों से अपना वसूली करना, अंदरबंद करना, डराना, धमकाना, मकान तोड़ना, रावतपाटन जिस तरीके की गुंडागिर्दी पुलिस ने की है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन अभी जो विधायक महोदय ने कृत्य किया वो ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने तो और अति कर दी, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जरा सा भी 0.01% भी अगर महात्मा गांधी के आदर्श को मानते हो तो इस विधायक पर कार्रवाई करके बताएं, अन्यथा आपकी बातें फिजूल है, नौटंकी है, नाटकबाजी है, केवल सूत की माला पहना ये दिखावा है। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। ओके, ज्ञापन दे दिया है रावत पाटन, आज रोका गया, ऐसी कोई जानकारी संगठन के पास है क्या? नहीं रोका नहीं है, अभी जस्ट फोन आया, अभी वहाँ दिया है, अभी एसडीएम साहब ज्ञापन दे दिया है, अभी वहाँ से फोन आया, ज्ञापन दे दिया। जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी भाषा मर्यादित रहे, इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल को, कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि ये इस तरह का माहौल जो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उसको सुधारने के लिए आप तुरंत कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। डुंगला के मामले में भी क्या है? डुंगला में भी मंदिर को जिस तरह तोड़ा गया है, हमारी भावनाओं को जिस तरह ठेस पहुंचाई गई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रूप में इस तरीके से मंदिर को तोड़ना, धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल पर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे सांसद सभी मोर्चे पे खड़े हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो और यहाँ धर्म का जागरण।